you know, today an India that the world wants to play with, an India which is frankly good for global business, an India which sets standards, which is tests other people's mettle. It happens in my business also. इतनी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान ये डिसाइडेड है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होनी है, लेकिन फिर भी आईसीसी कह रहा है कि हम डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान टूर्नामेंट कराएगा कि नहीं कराएगा। भारत का इतना प्रेशर है, भारत का इतना प्रेशर है कि वो जो आईसीसी को हुक्म देंगे वो आईसीसी फैसला करेगा। इज व्हाट यू सेड अबाउट पाकिस्तान एंड द 1982-83 टूर, यू सेड यू प्लेड देम बेटर बिकॉज़ फ्रॉम द ट्रेडिशनल साइड ऑन पोजीशन you now move to an open chested position. I couldn't have found a better description for our Pakistan policy that night. Stance ICC ke samne humne rakh diya hai, ab ball is in ICC court, unka ball ab ICC ki court mein hai. Sir, ball ICC ki court mein nahi, ball aapke haath se nikal rahi hai, sirak gayi hai, aur nikal ke chalte 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 wo India pahunch chuki hai ball. Ae taade kolu nikal chuki hai ek mamla lag mujhe ye raha hai, aapke haath se jo hai na wo रेत जो है वो निकल चुकी है। अच्छा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कितनी, मैं समझता हूँ शर्मिंदगी की बात है। और ये जिसे ये मैं पढ़ रहा था कि ये आठवां टीम टूर्नामेंट है, ठीक है, जिसमें भारत पाकिस्तान आई थिंक नहीं आ रहा। सो आप देख लें कि भारत डिक्टेट करता है, पाकिस्तान को किसी चीज में लिया ही नहीं जाता, कि मतलब उनको कोई आगे रखा ही नहीं जाता किसी चीज में भी, बस हर चीज में कह देते हैं कि पाकिस्तान को हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो बस। ये इंडिया कहता है या पूरी दुनिया कहती है? इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए क्रिकेट में वो पाकिस्तान नहीं जा रही, पूरी दुनिया जानती है। और दोस्तों अच्छा तब लगता है जब जो भारत की जनता चाहती है वही हमारी गवर्नमेंट भी सोच रही। अभी जयशंकर साहब का बयान आया, इनडायरेक्ट वर्ड में उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाले जिससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पाकिस्तान को फ़ायदा हो। हम पाकिस्तान के सामने बैकफुट पर नहीं खेलेंगे, फ्रंट फुट पर खेलेंगे, जो हमारी मर्जी होगी वो हम करेंगे, क्योंकि आज के समय में क्रिकेट से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला भारत ही है। और अगर भारत किसी बड़े लीग से बाहर रहता है तो लगभग शायद मैनेजमेंट जितना खर्चा भी क्रिकेट इवेंट से ना निकल पाए, ओपनली जयशंकर साहब ने इनडायरेक्ट वर्ड्स में कहा। तो हम क्यों पाकिस्तान का फ़ायदा करवाएं? आखिर वही पैसा टेररिज्म के रूप में भारत के खिलाफ ही यूज़ होना, ये हमारी जनता भी चाहती है और यही गवर्नमेंट भी सोच रही है। तो पाकिस्तानियों की इसीलिए जली हुई, पाकिस्तानी बार बार कह रहे हैं कि यार आईसीसी जो है भारत के साथ पैसे के लिए भारत का साथ दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत को किसी का साथ चाहिए ही नहीं, सिंपल सी बात। जब पूरी दुनिया में क्रिकेट की 70% ऑडियंस भारत की है तो फिर भारत को किसका साथ चाहिए? अमीर हुसैन, देखो पहली बात तो यह कितनी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान ये डिसाइडेड है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होनी है, लेकिन फिर भी आईसीसी कह रहा है कि हम डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान टूर्नामेंट कराएगा कि नहीं कराएगा। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ है कि आपको कहा गया है कि आप तैयारियां करें, आपको कहा गया कि आप इस दफ़ा जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे, आपको तमाम राइट्स दिए गए, आपने तैयारी की, आप स्टेडियम बना रहे हैं, लेकिन भारत का इतना प्रेशर है, भारत का इतना प्रेशर है कि वो जो आईसीसी को हुक्म देंगे वो आईसीसी फैसला करेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कितनी, मैं समझता हूँ शर्मिंदगी की बात है। और ये जिसे ये मैं पढ़ रहा था कि ये आठवां टीम टूर्नामेंट है, ठीक है, जिसमें भारत पाकिस्तान आई थिंक नहीं आ रहा। सो आप देख लें कि भारत डिक्टेट करता है। ये पाकिस्तान और भारत देखे दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, हमने जंगें लड़ी हैं, हम 1947 में लैदा हुए, हमारी जो एक राइवलरी है ये शुरू से है, ये नई नहीं है। और क्या आईसीसी को इन चीजों का नहीं पता? क्या आईसीसी को नहीं पता कि हम पहले कैसे थे? अब पीसीबी जो मर्जी कहते हैं, जी हम प्रपोजल रिजेक्ट करते हैं इंडिया का, भाई इंडिया का प्रपोजल ही चल रहा है, ये तो पाकिस्तान की हुकूमत और बीसीबी को देखना है ना कि हम बीसीसीआई के प्रपोजल को रिजेक्ट करते हैं। भाई पाकिस्तान को पूछा किसने है कि जी हम थर्ड, अगर आपकी बात सुनी जाती हो तो आपको ये कहा ना जाए कि हाँ जी आप जिधर करो पाकिस्तान में ही होना है। तो इंडिया जो क्रिकेट बोर्ड है वो देखें वो डिक्टेट कर रहा है प्रॉपरली, 2008 से लेके इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, ताल्लुकात सियासी तौर पे खराब हैं, लेकिन टीम को पाकिस्तान की नहीं भेजनी। मैं कहता हूँ जी इंडिया को सारे हक हैं कि वो टीम ना भेजे, बिकॉज वो नहीं भेजना चाहते तो नहीं भेजना चाहते, ये उनका हक है। लेकिन मुझे एतराज सिर्फ आईसीसी से है
कि आईसीसी एक न्यूट्रल बॉडी है, वहां पे तमाम मेंबर स्टेट जो है वो वहां पे जाते हैं। ये आईसीसी को किसने हक दिया है कि वो कहेगा जी हम इंडिया से पूछ के फैसला करेंगे? ये आईसीसी के, ये आईसीसी की लीडरशिप की कमजोरी है। आईसीसी का जो सारे का सारा स्ट्रक्चर है वो इंतहाई वीक है कि पाकिस्तान को पहले ही साइकोलॉजिकली कमजोर कर दिया। अगर हम यानी कि पाकिस्तान के लोग भारत में जाकर क्रिकेट खेल सकते हैं तो भारत के लोग पाकिस्तान में आकर क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकते? ये क्या बात हुई? ये मैं नहीं कह रही, ये मुर्शिद अकबर साहब ने कहा, उनका स्टेटमेंट है, पढ़ लीजिएगा आप लोग अगर पढ़ सके, और नहीं पढ़ सकते तो मैं बता रही हूं, तो बिलीव किए ना उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा जी अगर हम जा सकते हैं खेलने के लिए तो जी वो क्यों नहीं आ सकते? आपको क्यों फिर घबराहट हो रही है कि आपके लोग वहां जा रहे हैं तो आप यहां पर आने चाहिए इंडिया से? लेकिन ये कि पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी जो होने वाली थी ठीक है ना, तो वो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ी खटाई में पड़ गई है। अब वो हमारे ऐसा बोला जाता है अगर कोई चीज मुश्किल हो जाए हम कहते हैं तो खटाई में पड़ गई है, अब उसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में खटाई में पड़ गई है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जी अब कहा यह जा रहा है कि जो जो मैच यहाँ पर होने थे चैंपियन ट्रॉफी 2025 के, वो जी अब होंगे कहाँ भला, पता नहीं दुबई में होंगे, शारजा में होंगे, दुनिया के किसी भी कोने में होंगे। सानू की हमें कौन सा जाके देखना? अजय शाह, अमित शाह साहब के ये बेटे, और इनका कहना है कि हम नहीं आ रहे, निकलो इधर से। तो अब बात यह है कि अब मजबूरी है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान थोड़ी सी ना ना करेगा और फिर हमारी ना में भी हाँ होती है ना, तो इसलिए हम पहले कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं खेलेंगे, ऐसे कैसे, ये हमारे यहाँ ही होगा और यहीं पे भारत को आना पड़ेगा। फिर ऐसा ऐसा करते 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 फिर ऐसा होगा कि हमें कहा जाएगा कि चलो इंसान के बच्चे बनो और बाहर जाके कहीं शारजा दुबई में खेलो और हम वहां पहुंच जाएंगे, और लास्ट में होना यही है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमारे यहाँ ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर ना हम इंसल्ट फील नहीं करते, हम बड़ी बड़ी बातों पे नहीं करते, तो इन छोटी छोटी बातों पे क्या हक करेंगे? लेकिन हमारे यहाँ तो आपको पता ही है कितनी बड़े बड़े कांड होते रहते हैं, लेकिन हमें कोई असर नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान को फाइनेंशियली लॉस किया जा रहा है, पाकिस्तान की दुनिया जग में जग हंसाई की जा रही है कि एक ऐसी नेशन है जिसको बता दिया है कि तुम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, लेकिन वो कह रहे हैं हम इंडिया से पूछ के बताएंगे आपको कि चैंपियंस ट्रॉफी होनी है कि नहीं है। मैं समझता हूं इसमें जितनी शर्मिंदगी की बात हो सकती है वो है, और अब मजे की बात देखें, जितनी शर्मिंदगी पाकिस्तान को उठानी चाहिए पाकिस्तान को पता ही नहीं है, खामोशी से बैठे हुए हैं, या जितना शोर डालना चाहिए इस चीज को तो अपॉर्चुनिटी बना लेना चाहिए था। देखें आप जब क्राइसिस आता है आपने उसको अपॉर्चुनिटी कैसे बनाना, यह चीज होती है, तो आपने इसको अपॉर्चुनिटी कैसे बनाना, अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान कैसे बनाए? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, वो सारा दिन लड़ते रहते हैं पाकिस्तान की सियासी जमातों से, वो तो आज 4-6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, उनको तो पता ही नहीं पीसीबी आईसीसी या बीसीसीआई क्या कर रहे हैं, उनको तो ये पता है कि इमरान खान की पार्टी जो है उसने धावा बोल दिया इस्लामाबाद के ऊपर और मैंने उनके खिलाफ ऑपरेशन करना है, और वो तो ऑपरेशन में लगे हुए हैं सारा टाइम। आज मेरा ख्याल है वो थोड़े से फारग हुए हैं, कल शायद वो वहां पर चले जाएंगे, जो दुबई चले जाएंगे, उस बोर्ड मीटिंग में चले जाएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जो है इसको जो चीजें करनी चाहिए वो नहीं करता। पाकिस्तान माजी में भी देखें बर्दाश्त करता रहा चीजें, 2009 में एक वाकया हुआ था क्रिकेट टीम का, 2009, ठीक है। अब मुझे ये बताएं क्या दुनिया के किस मुल्क में वाकयात नहीं होते? क्या श्रीलंका के अंदर रिसेंटली इंकलाब नहीं आया, वहां पर नहीं शोर मचा था? दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होना ये संभव ही नहीं है। अगर आप तार्किक रूप से भी सोचें, कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन 20-30-50 पाकिस्तानी 72 ओवरों के पास ना पहुंच जाएं आतंकवादी हम लोग। अभी श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान ट्रैवल करना था सीरीज के लिए क्रिकेट में, ठीक है, दौरा था, श्रीलंका का टूर था, उन्होंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब कौन सा मूल्य के पाकिस्तान करवाएगा? जैश ए मोहम्मद का सरगना इनके यहाँ बैठा है, लश्कर ए तैयबा का सरगना चीफ जो कि अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म ग्रुप है उसके मालिक तो पाकिस्तान बैठा के, कब कौन किसका मर्जी हो जाए यार, अरे ये तो काफिल है इनको उड़ा दो, ठीक है। कौन सी बस के पीछे कौन सा ये इनका सिक्योरिटी पर्सनली हमलावर हो जाए, ये सब तो ब्रेन वॉश है, सब ब्रेन, जो जितना ही ब्रेन वॉश होता है वो पाकिस्तान में उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट होती है, तो क्या फ़ायदा? कोई जानबूझ के नर्क में भेजेगा अपने खिलाड़ियों को? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वीडियोज़ बनाएंगे कि जान दे देंगे विराट कोहली के लिए, भारतीय टीम आके तो दिखाए, ऐसा खातिरदारी करेंगे कि भारत भूल जाएंगे। भाई खातिरदारी तुम्हारी देख ली, डेली आतंकवादी भेज रहे हो तुम जम्मू कश्मीर में, ठीक है, वो भी तो भारतीयों को टारगेट कर रहे हैं, और विराट कोहली और रोहित शर्मा भी तो भारतीय हैं, तो अंतर क्या है? विराट कोहली और रोहित शर्मा में अंतर क्या, और नॉर्मल भारतीय में अंतर क्या?
विराट कोहली रोहित शर्मा भी भारत को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई। एक भारतीयों को तुम स्वागत करने के लिए पूरा पलके भी छाए, उधर भारतीयों को मरवाने के लिए फैक्ट्री भी बनवा रखे हो आतंकवाद की, तो ये दोगला चरित्र नहीं चलेगा। मतलब विराट कोहली रोहित शर्मा टीम इंडिया से प्यार दिखाएंगे और इधर भारत को परेशान करने के लिए आतंकवाद भी बेचेंगे, ये कैसा दोगला चरित्र? ये पहले की तरह भारत नहीं है कि ऊपर ऊपर से बोल दो वो विश्वास हो गया, नहीं। विदेश मंत्री जयशंकर साहब हैं, मंझे हुए डिप्लोमेट्स।